भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के मोगलपुरा मोहल्ले में दिन दहाड़े गोली मारकर एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। मृतिका काजल मोगलपुरा के मोहम्मद छोटू की पत्नी थी। घटना के बारे में मृतिका के पिता और जदयू के नगर महासचिव मोहम्मद आरिफ ने बताया कि फेकू मियां का पुत्र इम्तियाज, जो आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के कारण इन दिनों जेल में बंद है, उसकी पत्नी जेवा खातून और उसके परिजनों को यह आशंका है कि इम्तियाज को उसके द्वारा पुलिस से पकड़वाया गया है। पुलिस की मुखबरी करने के शक में इम्तियाज की पत्नी अपने बेटे बादशाह और इंतजार के साथ उसके घर पहुंची और उसके बेटों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की घटना में गोली उसकी बेटी काजल को लग गई। काजल 8 माह की गर्भवती थी। आनंद फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से काजल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के जिद पर मृतक महिला को लेबर रूम में भेजा गया, जहां सीनियर डॉक्टर अनुपमा सिंह ने जांच करने के बाद बताया कि काजल के ब्रॉड डेथ होने के कारण उसके बच्चे को निकालना बहुत ही मुश्किल था। महिला इमरजेंसी वार्ड से यहां मृत अवस्था में पहुंची थी, जिसकी वजह से बच्चे का भी डेथ हो गया। हम आपको बता दें, भागलपुर अपराध जगत के बेताज बादशाह रहे फेकू मियां के पुत्रों के द्वारा वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। क्या दुश्मन आ गई तेरा मेरा, और काहे मेरे बच्चे को रोका था? कोई दुश्मन आ गई तो बोल, हम घर छोड़ के चले जाते हैं तो नहीं को गोली मार देंगे, अभी मार देंगे, रुक तुम 5 मिनट 10 मिनट। हम लोग रुके रहे सर वहाँ पे 5-10 मिनट बाद बच्चे को लेके। फिर हम, मेरी वाइफ बोली कि पापा चलिए नाश्ता करा देते हैं, मेरी वाइफ बोली नाश्ता कर लो आप, मेरे को जाना था सर कहीं, तो हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद धड़ाधड़ गोली चलाने लगा, मेरी बेटी निकली तो मेरी बेटी को मार दिया। ये सुबह गोली जेवा मारी है, इंतजार मारा है रहमत कुरैसी, और ये खड़ा होकर सर मरवाया है बब्बन उर बाबा, जिसका नाम है शानवाज खान बब्बन उर बाबा शहबाज कुरैसी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर की रहने वाली रीना देवी पिछले 3 दिनों से अपनी बेटी मनीषा की तलाश में थाने का चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से हताश हो गई है। वहीं अब गुहार लगा रही है कि उसकी बेटी को कोई खोज दे। दरअसल रीना देवी की छोटी बेटी मनीषा 9 अप्रैल से गायब है, जिसको लेकर थाने में 17 मई को अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कोमल देवी, कैलाश और गीता देवी पर अपहरण को लेकर मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मनीषा का आज तक पता नहीं चल पाया है। मामला दर्ज करवाने के लिए भी इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब गायब मनीषा के परिजनों से मोबाइल नंबर की मांग कर रही है, जबकि परिजनों का कहना है कि मनीषा के पास मोबाइल नहीं था। अपहृत मनीषा की शादी 2019 में राज दिवाकर के साथ हुई थी, जो लखीसराय के पुलिस विभाग में पदस्थापित है। वहीं मनीषा जब अप्रैल माह में मां के घर आई, तब इनके घर में किराए पर रह रहे कैलाश की पुत्री कोमल से दोस्ती हो गई थी। उसी के कहने पर 9 अप्रैल को बाजार गई थी, जिसके बाद से वो घर वापस नहीं गई। वहीं अब परिजनों ने कोमल से पूछने का प्रयास किया तो उन लोगों ने धमकी दी और मनीषा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रीना देवी का आरोप है कि कोमल ने ही मनीषा को गायब किया है। वहीं पुलिस के द्वारा कुछ भी नहीं करने से परिजन परेशान हैं। घटना की सूचना पर वार्ड पार्षद भी न्याय दिलाने को लेकर थाना गए, लेकिन वहां पर भी किसी से भेंट नहीं हो पाने के कारण वो लौट गए। वहीं वार्ड पार्षद ने भरोसा दिलाया है कि मनीषा की वापसी को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। वहीं इस मसले पर मुजाहिदपुर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। We'll be right back.
बढ़ती महंगाई के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत प्रतिवाद मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद कार्यकर्ता जिले के अलग अलग क्षेत्रों से स्टेशन परिसर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और नाथनगर से राजद विधायक अली असब सिद्दीकी के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर पैदल जुलूस की शक्ल में स्टेशन चौक, लोहिया पुल, पटल बाबू रोड, घंटाघर होते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समाहरणालय गेट पहुंचे, जिसके बाद राजद का शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलकर महंगाई कम करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी राजद कार्यकर्ताओं का साफ कहना था कि केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से देशवासी परेशान हैं। अगर सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। महंगाई कम करना, पेट्रोल डीजल और बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गया है, वो कम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। डेढ़िया हो गया है आपका, हर चीज में भाड़ा और ट्रेन भाड़ा कोई चीज ऐसा भी नहीं है कि राहत। टेम्पू से जो गरीब आदमी हमारे गरीब तबके के लोग चलते थे उसका भी दो गुना किराया हो गया। बस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर नौगछिया जिला राष्ट्रीय जनता दल की इकाई ने केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई के विरोध में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता व पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार के नेतृत्व में बैलगाड़ी व पैदल मार्च के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की शव यात्रा निकाली। इस शव यात्रा की शुरुआत नौगछिया NH 31 राजद कार्यालय से निकलकर अनुमंडल कार्यालय परिसर तक जाकर शव रूपी पुतले का हिंदू रीति रिवाज के साथ विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नौगछिया के जिला अध्यक्ष लखनिरंजन पासवान एवं संचालन जिला प्रधान महासचिव संजय कुमार मंडल ने किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोपालपुर विधानसभा के राजद नेता व पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है, जो गरीबों की कभी भी सुध नहीं लेने वाली। गरीब इस कमर तोड़ महंगाई के बोझ के तले दबे जा रही है। कमर तोड़ महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया, इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम, यह कमर तोड़ महंगाई के लेकर हमारे तमाम गोपालपुर विधानसभा की जनता साथ आकर इनकी पुतला दहन किया गया। पुलिस कस्टडी में हुए मौत के आरोपी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाने, पीड़ित के परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच नौगछिया इकाई के द्वारा नौगछिया के अनुमंडल कार्यालय के समीप जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगभग 3 माह बीत जाने के बावजूद नीतीश कुमार की सामंतवादी सरकार में उनके पुलिसकर्मियों के द्वारा बेरहमी से पीटकर हत्या किए गए विभूति दास के हत्यारे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम आपको बता दें, नौगछिया के झंडापुर पुलिस के द्वारा स्कॉर्पियो चोरी मामले में हिरासत में लिए गए विभूति दास की पुलिस कस्टडी में 27 अप्रैल को मौत हो गई थी। निवेदन है यही है कि यदि पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में उसको रिसर्च करने के लिए दिया गया, अभी तक उस पर कोई दफा नहीं लागू किया और इस केस को दबाने का प्रयास किया, अपराधी और सामंतवाद और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग मिलकर के उस बच्चे का हत्या किया गया है। और मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जो कि थाना में था और उसके नेतृत्व में उस बच्चे को मार करके थाना सुपुर्द कर दिया और आज तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया। इन दिनों भागलपुर में वन्य जीव के प्रति अत्याचार का मामला बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा संबंधित विभाग की उदासीनता सामने आ रही है। मामला राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन की मौत से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा तो डॉल्फिन का शिकार भी बढ़ने लगा, जैसा कि आप भागलपुर की गंगा में उपलाता मृत डॉल्फिन को देख सकते हैं। करीब से देखेंगे तो मछुआरे के जाल में उलझकर मौत के निशान है। उसी तरह बंजारा समुदाय के खानाबदोश लोगों द्वारा गिलहरी और कई पक्षियों के शिकार का मामला भी सामने आया है। लगातार बढ़ते अत्याचार को देखते हुए भागलपुर के दीपक ने PM को खत लिखा और उसका जवाब भी आया है, लेकिन स्थानीय वन विभाग के अधिकारी दीपक के पर्यावरण बचाने की मुहिम से नाराज है। DFO ने रात्रि में उस मैसेज के आधार पे संजीव सर को मैसेज फॉरवर्ड किया
और उन्होंने कहा कि दीपक को बुला लेने हैं। तो मैं सवेरे 7 बजे वहाँ पर सुंदरबन के बाहर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब जो है मुझे अंदर लेके गए नर्सरी में जहाँ डॉल्फिन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। तो वो अपने ऑफिस में बोले बैठिए, अभी DFO सर आएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम का प्रक्रिया चालू होगा, तब आप जो भिस्टा जहाँ बोलेंगे हम उसको वहाँ भेज देंगे। वो तो विभाग का प्रक्रिया है, उसमें मुझे नहीं, बस हम वहाँ से रेंजर साहब आए और मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए बोलने लगे कि मतलब बहुत अभद्र भाषा में धक्का मुक्की किया, अभद्र गालियाँ दिए। आप बोले किस बाप को चिट्ठी लिखते हो, प्रधानमंत्री के लिखते हो। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग पूरा जीवन जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगाए हुए हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बस उद्देश्य एक ही है कि वन्य जीवों का संरक्षण हो। आप 5 साल पहले से मेरे काम को देख सकते हैं, कहीं कोई किसी से कोई मदद की ये नहीं है, मगर उपेक्षा जो हो तो ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई जो है इस तरह से मिसबिहेव करे। और पत्र लिखना या आवाज़ उठाना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के कोसी नदी के किनारे बसे कहारपुर गांव में भीषण कटाव हो रहा है। कटाव से कई घर कोसी में समा चुके हैं। मजबूरन कहारपुर के लोग अब अपने घरों को तोड़ रहे हैं। लाखों खर्च कर खून पसीने की कमाई से घर बनाए और अब प्रकृति की मार और बिहार सरकार की उदासीनता के कारण खुद अपना आसियाना उजाड़ने में लगे हुए हैं। कटाव होने से पूरा घर पानी में समा जाता, अब एक एक ईंटा बचा रहे हैं। ग्रामीण अब कहारपुर गांव से दूर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। बीते 5 वर्षों से कहारपुर गांव का कई हिस्सा कोसी में समा जाता है, लेकिन न तो कटाव पीड़ितों को कोई मुआवजा मिलता है, ना ही मुआवजे का आश्वासन। वहीं बाढ़ पीड़ितों में से एक छोटा बच्चा अपना आसियाना उजड़ता देख बार बार कोसी की उफनती धारा को निहार रहा है, मानो कोसी नदी को शांत करने की प्रार्थना कर रहा हो। सूबे के मुखिया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हवाई सर्वेक्षण में कोसी की धाराओं में विलीन हो रहे घर दिखते होंगे? हालांकि कई सवाल लोगों के जेहन में है। सरकार जमीन पर आए और बिलखते लोगों की दर्द को सुने। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में मखाना के खेत में पानी का चक्रवात देखने को मिला। हालांकि हवा और पानी के इस बवंडर के दृश्य को स्थानीय ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद किया और तस्वीरों में आप हवा और पानी के बवंडर को देख सकते हैं। काफी हैरतअंगेज यह दृश्य लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। हालांकि इसमें किसी के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कृषि पदाधिकारी ने उस क्षेत्र का जायजा लेने की बात कही है। कसम बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक। बाईस जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा नवनिर्मित सरकार भवन का उद्घाटन किए जाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति प्रतिनिधि रामधनी यादव, सन्नी कुमार ने नए सरकार भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने सभी नगर परिषद के कर्मियों को व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की बात करते हुए भवन के शेष बचे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने का निर्देश भी दिया। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी ने कांवरिया धर्मशाला और आश्रय स्थल का निरीक्षण करते हुए बेड, रोशनी और सारी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात संबंधित अधिकारियों को कही। इस दौरान नगर परिषद के कई कर्मचारी मौजूद थे। सावन शुरू होने में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी तैयारी गंगा घाटों पर शुरू नहीं की गई है। पिछले दिनों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं लग पाया था। इस वर्ष भी बिहार सरकार द्वारा अनलॉक व नाइट कर्फ्यू लागू है और पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को बंद रखा गया है। मंदिर बंद रहने के बावजूद भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, खगड़िया सहित विभिन्न जिलों के हजारों यात्री गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। गंगा स्नान ध्यान के बाद यहां श्रद्धालु जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी पर प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि दोपहर बाद कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर गंगा घाट जाने वाले रास्ते को बांस बल्ला लगाकर सील कर दिया गया। फिर भी देर शाम तक कांवरियों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। बीमारी की वजह से नहीं होना चाहिए, मजबूरी बस क्या करें। अभी कोरोना का कहीं ना कहीं डर है। आप जो अभी गेट पर दबन ढार तनिक जल बाबा का विश्वास धर्म पर जाए छे, लेकिन गेटों पर धार नहीं लगे छ। हाँ। सरकार ये कोरोना के कारण सब चीज का बंद डर तो छे जरूर,
अध्ययन हमरे डर लगे इतना आदमी सही बात है गेटे पर डर बताइए कोरोना के लिए बहुत महामारी है इसके वजह से बंद किए गए हैं अच्छा ही बात है लेकिन इसको महामारी को ध्यान रखते हुए इसका भी पालन किया था। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद वार्ड संख्या 20 में देर रात शरारती तत्वों ने एक वृद्ध के फूस के घर में आग लगा दी। देखते ही देखते आग की लपटे पूरे घर में फैल गई जिससे घर में रखे कपड़ा चौकी बर्तन सहित खाने पीने की सामग्री जलकर राख हो गई। घटना के बाबत पीड़िता परमिला देवी ने बताया कि हम घरों में सोए हुए थे किसी ने बाहर से आग लगा दी। किसी तरह जान बचाकर मैं घर से बाहर निकली और शोर मचाने पर ग्रामीण निकले लेकिन घर में तब तक रखा सारा सामान जल गया। भागलपुर के जीरो माइल थाना परिसर में शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधि सामाजिक और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान थाना प्रभारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपसी भाईचारा और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बकरीद पर्व मनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही थानाध्यक्ष ने आम लोगों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात कही जिससे किसी भी प्रकार की कानून की समस्या उत्पन्न नहीं हो और सामाजिक सद्भाव के साथ बकरीद का पर्व मनाया जा सके। बैठक के दौरान आम लोगों ने भी पुलिस को सहयोग करने की बात कही।